अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ छलियाँ, तो इनके बालों से हम लेंगे दो काम। हाँ जी, एक तो हम इनके बालों से किडनी को वॉश करने का काबा बनाएंगे, यानी कि जो किडनी की प्रॉब्लम है ना, जो स्टोन वगैरह पत्थरी वगैरह होती है, इसके पीने काबे पीने से वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी, हम जो मिठाइयों में डालते नहीं वो हम केसर, हाँ जी, जो इतना महंगा होता है, हाँ जी, अक्सर मिठाइयों वाले डालते हैं, वो कहते हैं हम इतना महंगा नहीं डालते। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ये जो छली के बाल होते हैं, हाँ जी, कौंसिल के इसको भी कहते हैं, इसको हम कलर करके तो हम इसके इसके इतना ज़बरदस्त वाकई बन जाते हैं। तो आइए मैं दो चीज़ें आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, वो देखिए ये छलियाँ, जो बाल मैंने अलग कर ली, ऊपर से सारे छिलके उतार लिया। तो अक्सर ये मैं 3 दिन हो गए थे ला के रखे हुए, तो ज़रूरी नहीं कि बाल वाइट ही हों, इस तरह के 2 दिन आए तो थोड़ा हल्के हल्के से ये ब्राउन से हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इनको मैंने थोड़ा सा हल्का सा पहले वॉश कर लिया पानी को, थोड़ा सा मैंने में देख के में डाल दिया कावे के लिए, कि कावा ऐसे बनाते हैं। इसमें 1 kg मैंने पानी डाल दिया, थोड़े से धो के पानी को इसको पहले धो लेना है, हाँ जी। इसमें 1 kg पानी डाल दिया और इसको अब मैं ना हल्की आँच पे उबलने के लिए रख दूंगी, फुल आंच नहीं करनी, दरमियानी आंच पे इसको बनाना है कावे को, ये याद रखना, क्योंकि ये ज़रूरी जलना नहीं, इसका बालों का कल जो असर है वो बाहर निकालना है, हाँ जी। ये जब भी हमारी किडनी में दर्द होती थी, एक दफ़ा मुझे पता मेरे भाई की किडनी में दर्द हुई, मेरी अम्मी ने का एक तो लाज पहले कोई फ़र्क ना पड़ा, अम्मी ने मेरी ने ये 1 किलो लेके आई, हाँ जी, इतनी लेके आई थी, उसके बाल निकाल के उसको 3-4 दिन ये पियाई तो वो पत्थरी उसकी बाहर निकल आई, उसको तो आराम आ गया। इसलिए मैंने कहा मैं आपको भी ये बताऊँ, ये एक बहुत काम का नुस्खा है, हाँ जी, आप भी ये करें। बाकी ये दूसरा वो मैंने कावा बनाना रख दिया। अब ये चलें, ये जो बाल पकड़े हैं मैंने 1 इंच से, इससे छोटे छोटे भी नहीं काट रहे, 1 इंच तक इसको काटना है, कटिंग करनी है। ये देखें 1 इंच तक रहे हैं, इसकी कटिंग कर लेती हैं, ये देखें सॉरी, तो इतने बारीक नहीं, 1 इंच से कम नहीं कटने, तो बड़े भी नहीं, इतने बड़े बड़े भी नहीं काटने, हाँ जी, ये इतने इतने काटने, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ काटने, ये सारे मैंने 1 इंच तक इसको कटिंग, इसकी कटिंग कर ली। तो अब चलते हैं, इसको एक बाउल में डालती हैं, बाउल में डाल के तो डालते हैं, ये देखें कलर है, रेड कलर है, ये मैरून सा कलर भी बनना है, ये मेरे अपने घर का बनाया हुआ है, हाँ जी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, हर कलर मैं 2-3 कलर दिए ना सब्जियों से बनाए हुए हैं नेचुरल कलर, वो आप मेरे चैनल पे देख सकती हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको डिप कर दिया, रात भर इसको मैं डिप ही रहेगा, यानी सारा कलर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो फिर देखेंगे। उधर चलते हैं अपने कावे की तरफ, कावा हमारा अच्छी तरह बन गया, मैंने मीडियम आँच पर इसको पकाया, हाँ जी। तो अब चलते हैं, इसको ना छान लेते हैं, ऊपर मैंने छोटी सी छन्नी रखी कप के ऊपर, और इसको छान लेते हैं, छान के पीना है हम। अब आप ना इसको स्टोर कर, छान के तो स्टोर करके किसी बोतल में बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दे, बार बार तो बनाया नहीं जाता, फ्रिज में रख दे, हाँ जी। अब जब भी पीना हो आप निकालें, थोड़ा सा कोसा करें, इसको पी लें, हाँ जी। ये किडनी के लिए इतने फ़ायदे हैं कि मैं बताने आपको लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने तो एक तरह सच थोड़ी सी की है, फिर भी ये पहले मेरी अम्मी के नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जब भी ऐसा कोई किडनी में मसला होता था ना, तो मेरी अम्मी यही बाल हमें बालों का कावा देती थी, 2-4 दिन, ज़्यादा तो ज़्यादा हफ्ता, तो वो खुद ही बाहर निकल जाती। तो आपको मैं कहनी ये आसान था नुस्खा, आप भी आजमाएँ और एक किडनी बिल्कुल वाश हो जाएगी। तो चलते हैं, ये देखे कौन से लगे, मैंने वो केसर भी बना लिए जो मिठाइयों में तो मीठे में डालते हैं, ये देखे खुशक हो गया। अगर आप इसको खुश करके सुखा के स्टोर कीजिएगा, अभी यूज़ करिए थोड़ा सा निकाल के यूज़ किया, ये देखे ये नकली असली की पहचान, ये देखे असली नकली है, ये नकली वाले जो होते हैं बारीक बारीक से धागे तरह के होते हैं, जो असली होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, हाँ जी, एक तरफ से ज़्यादा मोटे होते हैं, वैसे थोड़े से मोटे होते हैं, हाँ जी। तो आपने ये मेरे दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है, बनानी है, हाँ जी। बाकी अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, खाएं पिए मौज उड़ाएं, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।